हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे हिंदी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि काफी इम्पॉर्टेंट है। ये क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे आप सभी के बोर्ड एग्जाम में इस बार आने वाला सबसे महत्वपूर्ण निबंध, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण निबंध में हम आपको पर्यावरण प्रदूषण का निबंध बताएंगे, यानी कि प्रदूषण की समस्या और उसका समाधान, ठीक है। इस तरह से भी टॉपिक आता है। तो यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण पे जो निबंध है ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा हिंदी का कोई भी आप सभी के क्लास टेंथ और ट्वेल्थ का पेपर, किसी भी साल का ऐसा पेपर न होगा जिसमें ये पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध न आया हो, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट ये पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध है। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को पूरा बिल्कुल किस तरीके से आपके पेपर में हिंदी के आता है, कैसे आपको लिखना है, सब कुछ बिल्कुल आपको लिख करके बताएंगे पूरा का पूरा, ठीक है। यानी टॉपर निबंध को कैसे लिखते हैं, जिससे उन्हें जो एग्जामिनर होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो पूरे के पूरे, ठीक है, जितने नंबर का निबंध आता है पूरे के पूरे यानी निबंध पे नंबर देते हैं, ठीक है। जैसे क्लास टेंथ है तो उसमें 7 नंबर का निबंध आता है, तो 7 नंबर पूरे के पूरे कैसे आप सभी को मिलेगा, कैसे आपको लिखना है। और अगर आप सभी लोग क्लास ट्वेल्थ में हो, ठीक है, तो ये 9 नंबर का निबंध आएगा, तो आपको 9 नंबर का निबंध कैसे लिखना है जिसे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आपको प्रारंभ कैसे करना है निबंध लिखना, जिसे एग्जामिनर देखकर काफी ज्यादा खुश हो और आपको पूरे नंबर दे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपकी लिखावट यानी हैंड राइटिंग आप सभी की खराब है तो आपको क्या करना है, कौन सी ट्रिक लगाना है, क्योंकि जो ये निबंध है इसमें आप सभी के जो हैंड राइटिंग है वो काफी ज्यादा मायने रखती है, ठीक है। यानी कि जो आप सभी की लिखावट है वो अच्छी होनी चाहिए निबंध लिखते समय, तभी आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स देंगे। तो आपको कैसे लिखना है अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो, जिससे एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे, ठीक है। और आपको कितने पेज लिखना है, यानी अगर आप लोग क्लास टेंथ में तो आपको कितने पेज लिखना है निबंध, जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर एग्जामिनर टीचर दे। और अगर आप लोग क्लास ट्वेल्थ में तो आपको कितने पेज लिखना है, ठीक है, जिससे टीचर आप सभी को फुल मार्क्स दे। तो यहाँ पे हम आपको निबंध लिखने का सबसे आसान तरीका बताएंगे, सबसे सरल तरीका। अगर आप लोग हमारे इस तरीके से निबंध लिखोगे तो आपको पूरा का पूरा, ठीक है, नंबर आप सभी को हिंदी में यानी 100 में 100, 100% आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ये मेरी 100% गारंटी है। तो कैसे आपको लिखना है, आप लोग सबसे पहले देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे ना तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको ये जो हम टॉपिक बता रहे हैं वो आपको 100% समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि आप सभी के पेपर में हिंदी के निबंध किस तरह से लिखने के लिए आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए निबंध जो है वो इस तरह से आता है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। यहाँ पे 4 दिया रहेगा, आपको किसी एक पर ही लिखना है, ठीक है। पहला है बेरोजगारी एवं अभिशाप पे, दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण पे, तीसरा विज्ञान अभिशाप या वरदान, ठीक है, और चौथा है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इस तरीके से 4 दिया हुआ है, जिसमें से हम आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण, तो यही हम आप सभी को बताएंगे। बाकी ये सब जो निबंध है ये पहले से हम बता चुके। तो अब इसके बाद देखिए आप सभी को, यानी आप लोग अगर क्लास टेंथ में हो तो आपको कितने पेज लिखना है, क्लास ट्वेल्थ में हो तो आपको कितने पेज निबंध लिखना है जिससे आपको पूरे नंबर मिले, ठीक है। तो देखिए ये क्लास टेंथ में निबंध जो है वो 7 नंबर का आता है, तो आप सभी को यानी कि 3.5 से 4 पेज, यानी कि आपको 3.5 से आप सभी को क्या करना है, 3.5 से 4 पेज आप सभी को क्या करना है, निबंध को लिखना है। यानी 3 से 4 पेज आपको निबंध लिखना है, इससे कम नहीं लिखना है। इससे अधिक अगर आपकी लिखावट स्पीड अच्छी है तो आप लोग इससे अधिक 5 पेज भी लिख सकते हो, लेकिन कम आप लोग को नहीं लिखना है, ठीक है। और अगर आप लोग क्लास ट्वेल्थ में हो तो आप सभी को 4 से 5 पेज में लिखना है। 4 से 5 पेज का मतलब कि ये 9 नंबर का है, तो आपको 4 से 5 पेज में लिखना है, इससे कम में नहीं लिखना है, ठीक है। इतना लिखेंगे तभी आपको पूरे के पूरे 9 नंबर 7 नंबर मिलेंगे। अब देखिए आपको लिखना कैसे स्टार्ट कर, सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है प्रश्नोत्तर संख्या 29, ठीक है।
इसके बाद जो भी टॉपिक पे आप लोग लिख रहे हो वो आपको यहाँ पे लिखना है ब्लैक पेन से पर्यावरण प्रदूषण। इसके बाद सबसे फर्स्ट हेडिंग इसमें रूपरेखा रहेगा और इसमें आप सभी को रूपरेखा में वही चीजें लिखा जाता है, यानी आप लोग जिस टॉपिक पे निबंध लिख रहे हो उसके अंतर्गत जितने भी हेडिंग यूज होंगे, जितने भी हेडिंग आप सभी लोग ठीक है उपयोग करोगे, जिसके बारे में आप लोग लिखोगे वही हेडिंग आपको इसमें लिखना है। इसमें पहला हेडिंग रहेगा प्रस्तावना, ठीक है, नेक्स्ट है प्रदूषण का प्रकार, और नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण का कारण, प्रदूषण को रोकने का उपाय, और लास्ट हेडिंग उपसंहार है। अब इसी के अंतर्गत आप सभी को इसके हर एक हेडिंग में आपको थोड़े थोड़े शब्दों को लिख देना है जिससे आपका निबंध बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। जैसे सबसे पहला इसमें हेडिंग है प्रस्तावना, तो आपको वही लिखना है। अब देखिए प्रस्तावना में आपको कैसे लिखना है, कैसे शुरुआत करना है, तो आपको इस तरीके से शुरुआत करना है। देखिए जैसे हम यहाँ पे शुरुआत किए बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे, और ये तरीका एक टॉपर की तरीका होती है, ठीक है। इसी तरह लिखने से आपको पूरे नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पे विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या जो है वो प्रदूषण का कारण है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे प्रदूषण का अर्थ जो है वो क्या है, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है, ठीक है। अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, लाइंस है, उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। अगर आप लोग हाईलाइटर का यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते हो तो बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास है तभी कीजिएगा, कोई जरूरी ये चीजें नहीं होती है। नेक्स्ट है प्रदूषण का कारण, ठीक है। प्रदूषण के कारण क्या है, तो आज के वातावरण में जो प्रदूषण का कारण है वो निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है, ठीक है। कौन कौन से रूपों में, अब यहाँ पे देखिए वायु प्रदूषण, ठीक है, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रासायनिक प्रदूषण। अब इसको क्या करना है, आपको जितने भी यहाँ पे प्रदूषण है उसके बारे में थोड़े थोड़े लिख देने। अब और हम आप सभी को बता दें कि आप लोग जितना भी अपने से बनाकर अपने शब्दों में लिखेंगे एग्जामिनर उतना ही ज्यादा खुश होते हैं, उनको ये वो जब देखते हैं तो उनको लगता है कि नहीं ये जो स्टूडेंट है ये अपने दिमाग से लिखा हुआ है, कोई भी रटी रटाई बातें नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो वही सरल तरीका हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, वही सरल तरीके से लिखने के लिए। ये जो पर्यावरण प्रदूषण है इसमें जितने भी हेडिंग्स यूज हो रहे हैं ये सभी क्या है कि हम लोग के दैनिक जीवन में डेली ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। हमारे आसपास ये सब घटनाएं हो रही है वही है यहाँ पे। देखिये वायु प्रदूषण पहला रहेगा हेडिंग। वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में, ठीक है, उपस्थित होती है। जीवधारी अपने क्रिया में एक ऑक्सीजन यानी O2, कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स की CO2, ठीक है, का उपयोग करते हैं। मानव अपनी आवश्यकताओं के कारण वायु को क्या कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से लिखना है। और हम आपको बता दें अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आप लोग दो वर्डों के बीच में इस तरीके से एक पेन का ऐसे गैप देकर आपको लिखना है, और एक हेडिंग पूरा होने के बाद आपको एक से दो लाइन इस तरह से गैप देना है, नेक्स्ट हेडिंग आपको लिखना है। ऐसे आपकी लिखावट देखने में काफी अच्छी लगेगी, ठीक है। और दूर दूर लिखना है, कहीं पर भी आपको कट क्रॉस वगैरह नहीं करना है, यानी कटपिट ज्यादा नहीं करना है, जिससे आपकी अगर कट क्रॉस ज्यादा करोगे तो हैंडराइटिंग आपकी गंदी लगेगी, इसलिए आपको बिल्कुल क्लियर लिखना है। नेक्स्ट है जल प्रदूषण। जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। जैसा कि आप सभी के यानी गाँव में अक्सर होता है, क्या होते है कि यानी कि पानी के जो टंकरे जाते हैं उसके पीछे क्या लिखा होता है, जल ही जीवन है, ठीक है। सच बात है, क्योंकि जो जल है इसके बिना कोई भी व्यक्ति कोई भी जीवधारी जीवित नहीं रह सकता, ठीक है। तो जल में कुछ तत्व जैसे खनिज लवण, कार्बनिक और कार्बनिक गैसें आदि का अधिक मात्रा हो जाने के कारण जल भी क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए आपको लिखना है, बिल्कुल आपके दैनिक जीवन में जो चीजें बीत रही है वही यहाँ पे आपको ये सरल तरीके से हमने लिखकर बताया हुआ है। नेक्स्ट हेडिंग है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है, ठीक है। जैसे क्या है, मोटर कार, ट्रेन तथा कारखाने, मशीनों, लाउडस्पीकर आदि से ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है, ठीक है। कभी कभी आप सभी को हमारे भी वीडियो में थोड़ा बहुत ध्वनि सुनाई देने को मिलता होगा, ठीक है। तो आप सभी को यानी इस तरीके से मोटर कार, ट्रेन, कारखाने, ये सब की हॉर्न होती है वो, जो कि ध्वनि प्रदूषण में आता है। नेक्स्ट है रासायनिक प्रदूषण। आज के आधुनिक खेती से जो है रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए दवाइयों, कीटनाशकों का उपयोग हो रहा है, जिससे रासायनिक प्रदूषण बढ़ रहा है। ये रासायनिक प्रदूषण जो है ये मृदा से संबंधित है, जिससे क्या होते हैं यानी जो किसान है वो क्या करते हैं कि अपने खेतों में जब फसल लगाते हैं,
ठीक है, तो वो क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा खाद यूरिया दवाइयों का छिड़काव करते हैं, जिससे कि उनके पैदावार खेतों में जो फसलें हो रहे हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो, उसे कोई भी कीट मकोड़े न खाए। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जैसे और कुछ किसान ये भी करते हैं, जैसे आज कोई भी लौकी इतना बड़ा सा है, ठीक है, लौकी की बतिया इतना बड़ा सा है, और कल कुछ कुछ जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, कल उसमें इंजेक्शन लगवा देंगे और वही लौकी क्या हो जाएगी, एक हाथ का हो जाएगा, लौका बन जाएगा। ठीक है, तो वो क्या है, यानी अगर उस लौकी का सेवन कोई भी करता है तो वो बीमार पड़ जाता है। तो ऐसे ऐसे किसान हैं जो क्या कर रहे हैं, इस तरह से दवाइयों कीटनाशकों, ठीक है, इंजेक्शनों का यूज करके खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा मिले, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, इससे और जो रासायनिक प्रदूषण है, इसमें क्या है कि मिट्टियों में क्या कर रहे हैं, मिट्टियों में ज़्यादातर यूरिया खाद ये सब चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे उस मिट्टी जो है उसके तत्व तो नष्ट हो जा रहे हैं, तो इससे रासायनिक प्रदूषण बढ़ जा रहा है। नेक्स्ट है प्रदूषण के कारण, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा जो कारण है वो विश्व में तेजी से जनसंख्या वृद्धि है, क्योंकि देखिए जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है, तभी उसी को देखते हुए ही सभी चीजें कल कारखाने लग रहे हैं, अत्यधिक खेती हो रही है, खेती अधिक नहीं होगी तो जनसंख्या जो बढ़ रही है वो क्या खाएंगे, लोग मर जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है सबसे जो भयंकर कारण है, सबसे विशाल कारण है, वो है जनसंख्या वृद्धि, यही सबसे मुख्य कारण है प्रदूषण का। ठीक है, विश्व की जनसंख्या जो है आज सुरसा की भांति विकराल रूप धारण की हुई है। दूसरा कारण विज्ञान है, मानव पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे प्रदूषण को रोकने का उपाय। देखिए जितना भी चीजें हम आपको बताए बिल्कुल व्यवहारिक चीजें थे, ये सब चीजें आप लोग अपने दैनिक जीवन में डेली देखते हो, यही सब चीजें यानी आपको ऐसे ही बनाकर लिखना है। प्रदूषण को रोकने का उपाय, बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। ठीक है, वृक्षारोपण का मतलब अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाया जाए। अगर आप लोग अपने एक बर्थडे पर एक आप सभी लोग वृक्ष लगाते हो तो वो वृक्ष आपके साथ बड़ा होता जाएगा और वो बड़ा होकर आपको अच्छा वातावरण देगा। ठीक है, प्रदूषण से आपको बचाएगा, ध्वनियों को रोकता है, आपको स्वच्छ हवा देगी, ताजी हवा देगा। ठीक है, और हो सकता है अगर आप लोग फल वाले लगाए हो तो आप लोग फल भी आपको मिलने लगेगा, जैसे जो भी है आम वगैरह होता है, अमरूद वगैरह। ठीक है, ये सब आप लोग लगाइए, यानी आपको अगर आप लोग एक लगाओगे अपने एक ही सिर्फ बर्थडे पर लगा दीजिए, पहले बर्थडे पर आप लोग एक लगा दिए तो आप सभी को यानी आपको वो बहुत ही अच्छा वातावरण देगा, आपको जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसको कम करेगा। ठीक है, और जल में कचरे व मृत सौं को न बहाया जाए तथा धुआं से बचने के लिए कल कारखानों को वहां बनवाया जाए जहां पे जनसंख्या जो है वो काफी कम है। नेक्स्ट हेडिंग है लास्ट उपसहार है, इसमें आपको अपने विचार देना होता है कि हाँ प्रदूषण के बारे में मेरा विचार क्या है, कैसे इसे कम किया जा सकता है, कैसे इस पे एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए हम सबको मिलकर क्या करना होगा, पर्यावरण को बचाना होगा, क्योंकि सभी के मिलने से ही प्रदूषण जो है वो कम होगी, किसी एक के मिलने से नहीं होगी। ठीक है, तो सबको मिलकर के पर्यावरण को बचाना होगा। प्रदूषण की समस्या आज सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में है। ठीक है, इसके लिए शासन व सरकार को भी पूर्ण रूप से इस पे ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य करना चाहिए। तो इस तरीके से आप सभी को पूरा निबंध ऐसे ही लिखना है। ठीक है, 100% गारंटी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा अगर आप लोग इस तरह से लिखते हो तब। ठीक है, आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर शेयर कीजिए। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।